वेलकम बैक टू वंस अगेन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एन एस्ट्रोलॉजर्स डे लेसन से 5 क्वेश्चंस और उनके आंसर्स। इस लेसन के पहले 5 क्वेश्चंस और उनके उत्तर हम आपको एक वीडियो में प्रोवाइड करा चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाके देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 6 से देखेंगे इस वीडियो में, 6 से लेकर के 10 तक। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लिखा हुआ है व्हाट प्लेस डिड ही चूज फॉर इट, कौन सा स्थान उसने इसके लिए चुना, हाउ वाज इट अ सूटेबल प्लेस, और वह जगह किस तरह से उपयुक्त थी। तो आंसर आपको लिखना है ही चूज अ प्लेस नियर अ बिजी क्रॉसिंग, उसने एक भीड़ भाड़ वाली क्रॉसिंग पर अर्थात चौराहे पर अपना स्थान बनाया, अंडर अ टैमरिंड ट्री, एक इमली के पेड़ के नीचे। इट वॉज अ सुटेबल प्लेस बिकॉज द पीपल ऑफ ऑल ट्रेड्स पास्ड बाई दैट वे, क्योंकि उस जगह पर हर व्यवसाय से संबंधित व्यक्ति आते जाते रहते थे। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे, व्हाट आर द इक्विपमेंट ऑफ एन एस्ट्रोलॉजर, एक ज्योतिषी के पेशेवर सामान क्या होते हैं, अथवा करके पूछ सकता है हाउ कैन एन एस्ट्रोलॉजर लुक लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, ज्योतिषी किस प्रकार से ज्योतिषी दिखता था, वो किस तरह से अपना भेष बना लेता था जिससे लगता था कि वह ज्योतिषी है। तो आंसर लिखना है आपको एन एस्ट्रोलॉजर हैज टू कैरी इक्विपमेंट्स लाइक कौरी सेल्स, स्क्वायर क्लॉथ, पलमीरा राइटिंग्स एट्सेट्रा। एक ज्योतिषी को रखना पड़ता है जैसे कौरी सेल्स यानी कि कौड़ियाँ, स्क्वायर क्लॉथ्स चौकोर कपड़ा, पलमीरा राइटिंग्स भोजपत्र आदि आदि चीज़ें। ही नीड्स टू अप्लाई सैक्रेट एस, और उसे पवित्र राख की भी ज़रूरत होती है, एंड वर्मिलियन और सिंदूर भी, ऑन हिज फोरहेड टू लुक लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, और इन सब चीज़ों को उसे मत्थे पे लगाना पड़ता है ताकि वह एक ज्योतिषी दिखे। सैक्रेट एस माने यानी कि राख, पवित्र राख, और वर्मिलियन माने होता है सिंदूर, अथवा आप रोली भी कह सकते हो, जिसे वो मत्थे पे लगाता था जिससे कि वह एक ज्योतिषी की भांति दिखने लगता था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा हुआ है व्हाट डिड हिज क्लाइंट फाइंड इन हिज आइज, उसके जो ग्राहक थे उसकी आंखों में क्या पाते थे, हाउ डिड दे फील, और वे कैसा अनुभव करते थे। तो आपको आंसर लिखना होगा हिज क्लाइंट्स फाउंड अ प्रोफेटिक लाइट इन हिज आइज, उसके ग्राहक उसकी आंखों में एक भविष्यवक्ता की चमक देखते थे, एक दैवीय चमक देखते थे वो। दे फेल्ट कम्फर्टेड, और उन्हें बड़ा ही सुकून मिलता था, कम्फर्टेड मीन्स आराम मिलता था वहाँ पहुँच करके। तो नंबर 9 देखते हैं क्या लिखा हुआ है, व्हाई डिड ही चूज हिज प्रोफेशन, उसने यह व्यवसाय क्यों चुना। यह आंसर में अथवा में पूछ सकता है हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, ज्योतिषी अपनी जीविका किस तरह से कमाता था, व्हाट वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, व्हाई वाज ही फोर्स्ड टू हाइड हिज आइडेंटिटी, वो अपनी पहचान छिपाने के लिए क्यों विवश हुआ, और हाउ डिड द एस्ट्रोलॉजर अर्न हिज लिविंग, वह अपनी जीविका कैसे कमाता था। तो दोनों प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, लिखना है द एस्ट्रोलॉजर अर्नड हिज लिविंग बाय टेलिंग द फेट ऑफ पीपल, ज्योतिषी लोगों का भाग्य बता के अपनी जीविका कमाता था। ही हैड कमिटेड अ मर्डर इन हिज यूथ, उससे अपने युवा काल में एक मर्डर हो गया था, एक कत्ल हो गया था,
सो टू अवॉइड द पनिशमेंट, इसलिए उस सजा से बचने के लिए ही वॉज फोर्स्ड, वह विवश था, टू हाइड माने छिपाने के लिए, हिज आइडेंटिटी माने अपनी पहचान, उस सजा से बचने के लिए अपनी पहचान को छिपाने के लिए हुआ विवश था, और दैट्स हाउ ही केम इन टू दिस प्रोफेशन, इसीलिए वह इस व्यवसाय में आ गया था। इस वीडियो का जो अंतिम प्रश्न है उसको देखते हैं। हाउ डिड ही लुक लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, वह एक ज्योतिषी की भांति कैसे दिखाई पड़ता था। ही लुक्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर बिकॉज ही हैड रब्ड पाइस डस्ट एंड वर्मिलियन ऑन हिज फोरहेड। ही लुक्ड लाइक एन एस्ट्रोलॉजर, वह एक ज्योतिषी की भांति दिखता था। बिकॉज, क्योंकि, ही हैड रब्ड, वह मलता था, रब्ड माने होता रगड़ना या मलना, पाइस डस्ट माने पवित्र धूल या पवित्र राख, एंड वर्मिलियन माने और रोली, ऑन हिज फोरहेड माने अपने मस्तक पर, सैफरून कलर टर्बन ऑन हिज हेड, और केसरिया रंग की पगड़ी अपने सर पर, डार्क एंड लॉन्ग विस्कर्स, लंबी और काली मूछ है, विद ऑल इक्विपमेंट्स और उन सारे उपकरणों के साथ, फैन एस्ट्रोलॉजर स्प्रेड बिफोर हिम, जो अपने समक्ष वह ज्योतिषी फैला लिया करता था। तो इस तरह से वह एक ज्योतिषी सा दिखाई देता था।